वीवर, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकंड ईयर एमसीक्यूज गैस पेपर और लीक गैस पेपर टाइप है, ये आप लोग प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसमें मैं आपको समझाऊंगा भी, इंशाल्लाह सारा पेपर इसी में से आएगा। अच्छा, तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारे पास वैल्यू गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। करना क्या है कि ये जो वैल्यू है ये ज़ीरो वाली, ये आपने इसमें पुट करनी है और जो आंसर आएगा वो आप लोगों को करना। तो जब हम इसको सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे वन आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। तो वी से डैट एफ इज़ फंक्शन ऑफ सेट ऑफ एक्स एंड वाई, देन एक्स इज कॉल्ड। तो आपको पता है कि जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो डोमेन होती है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ फंक्शन विच रिकॉग्नाइज टू डैश। तो लेबनीज था जो हमारे पास मैथमेटिशियन, इन्होंने मतलब ये इन्वेंट किया था फंक्शन को। द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर इज, ये आपके पास ये होगी, ठीक है। मजीद कॉस हाइपर स्केयर एक्स माइनस साइन हाइपर, ये फार्मूला ये वन के इक्वल होगा। कोसिकेंट हाइपर एक्स इज इक्वल टू किसके होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख ले, द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन इज आइडेंटिकल इज, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। द फंक्शन हम लोग देख सकते हैं कि द फंक्शन एफ इज एफ ऑफ एक्स डैश कंटिन्यूस किस पे होगा, एट वन के ऊपर होगा। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस, ये आपके पास जीरो होगी। द चेंज इन वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑफ एक्स, इट इज़ डिनोटेड बाय पॉजिटिव आर नेगेटिव, इंक्रीमेंट हो सकता है। तो नोटेशन डैश आर किसने नोटेशन फॉर्म में सेट को किया था, तो वो हमारे पास लेबनीज थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज़ गिवन बाय, तो वो न्यूटन ने मतलब ये जो नोटेशन था ना वो न्यूटन ने दिया था, ठीक है। तो हमारे पास है द नोटेशन एफ डैश एंड वाई डैश इज लंगराज ने, आपको पता है कि सेट को नोटेट करने का डिफरेंट तरीके से, द फंक्शन डी ऑफ एक्स एंड डी वाई इज यूज, ये कॉशी मीन वैल्यू ने मतलब दिया था। एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन की डेफिनेशन है। डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल के पार कांस्टेंट नंबर, तो वो उसमें पार स्टार्ट में ले जाते हैं, एक पार ले जाते हैं, ये प्रोडक्ट रूल हमारे पास कहलाता है। इसके बाद एक्स हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ द कॉन्स्टेंट इन फंक्शन इज, वो जीरो होगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जो है ना द प्रोसेस फाइंडिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशियल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एफ, तो सेकंड डेरिवेटिव इसका जब हम लोग लेंगे तो वो आपको पता है कि माइनस वन एक्स की माइनस वन माइनस वन, तो ये माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी दफ़ा जब हम लोग लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मज़ीद हम लोग देख लेते हैं जी ऑफ एक्स, तो आपको पता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो उसमें हमने पावर शुरू में ले आते हैं और एक पावर आगे ले जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है डी ओवर डी ऑफ एक्स, वो हमारे पास एक दफ़ा जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो वो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसमें इसको दोनों को सॉल्व करके इनका डेरिवेटिव लेके आपके पास सी की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपने टेंजेंट इन्वर्स और इसकी वैल्यू जब आप सब्सिट्यूट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। साइन इन्वर्स डी, इसका डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम लेंगे और वो पार शुरू नीचे भी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद डी ओवर सेकंड स्केयर एक्स हो, तो इसका ये फार्मूला है, कोसेकंड स्केयर एक्स का ये फार्मूला आपके पास पता है ना आपको, माइनस वन मॉड वैल्यू एक्स अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस वन। और इसके बाद आपने साइन स्केयर विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्केयर, आपने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन से डेरिवेटिव चेन रूल से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों ने करना है कि जनाब इसका ये आएगा, क्योंकि ये आपका थ्योरम भी है, आपका क्वेश्चन भी है, उसमें आपने देखा वन प्लस टेंजेंट ये भी क्वेश्चन है माइनस वन के इक्वल होता है, ठीक है। तो आपको साइन इनवर्स की रेंज और डेरिवेटिव जब हम लेंगे ये वैलिड होगा माइनस वन से प्लस वन तक, एक्स वाई बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स ओवर, तो जब इसको हम इन्वर्ट करेंगे तो वो ये आ जाएगा हमारे पास वाई इज इक्वल टू ई की माइनस ए एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद डी ओवर डी एक्स टेन की साइन मतलब कॉन्स्टेंट की साइन हो तो ये उसका आंसर आ जाएगा। मजीद आप लोगों को वीडियो कैसी लगी लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और इस पर आप लोगों को गैस पेपर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं एमसीक्यूज शॉर्ट डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा जनाब ये ई की ए ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं आप लोगों को गाइड कर दूं लॉग ई की ए एक्स, तो वो ए एक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते जाएंगे एफ ऑफ एक्स ए की एक्स, तो इसमें ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। ए ग्रेटर जीरो, ए नॉट इक्वल जीरो, एक्स बराबर, तो ये ए आ जाएगा, इसका लॉग ए आ जाएगा और इसका ए आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ी स्पीड लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को
टाइम वेस्ट ना हो। चैनल पे नहीं हुआ तो यार चैनल को सब्सक्राइब करने। अच्छा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ये 4 टाइम आपने इसका डेरिवेटिव लेना है और ये आ जाएगा, ये एमसीक्यूज इस तरह के आ जाते हैं ठीक है। उसके बाद आपने इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो 6a आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसका आप लोगों ने 8 टाइम डेरिवेटिव लेना है तो वो 0 आ जाएगा ठीक है। इसके बाद मज़ीद हम लोगों ने ये आपको पता है कौन सी ये मैक्लारेन सीरीज़ का फार्मूला, ये आप लोगों ने जो है ना वो याद करना है ठीक है। मैक्लारेन सीरीज़ के बाद आप लोग ये आपके पास एक्सप्रेशन जो है वो किसके इक्वल है, कॉस के इक्वल है और ये पावर रूल्स है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड फंक्शन, अगर उसका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर 0 के आ जाए तो वो इंक्रीजिंग है और अगर लेस आ जाता है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी लेस, अगर एफ ऑफ एक्स ये देखें आप लोग ग्रेटर लेस है 0 से तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। फंक्शन एट अ पॉइंट एफ 0, अगर 0 आ जाता तो कॉन्स्टेंट फंक्शन, मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले ले किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो 0 आ जाए तो वो आपके पास कांस्टेंट फंक्शन, और अगर लेस 0 आ जाए तो वो डिक्रीजिंग और अगर ग्रेटर 0 आ जाए तो वो इंक्रीजिंग। स्टेशनरी पॉइंट इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट हमारे पास होगा ठीक है। इसके बाद एफ डैश चेंज डज नॉट एंड आफ्टर सी इज कॉल्ड वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेक्शन होगा इसका ठीक है। मजीद आप लोग ये रीड करते जाए ठीक है। चैनल पे नहीं हुआ तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। अच्छा तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आप लोगों ने ये सारा करके जाना और इसी में से आपका पेपर आएगा। इनवर्स फंक्शन है इंटीग्रल इसका आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, डिफरेंशिएट ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये आपके पास इक्वल आ जाएगा ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने फाई सी इसका आपने देख लेना इंटीग्रेटेड फंक्शन ठीक है। नेक्स्ट आप लोग ये जल्दी से देखते जाएँ, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। अच्छा तो आपने बताना है कि इसका लॉग का सब्सिट्यूशन क्या होगा, तो ये आपको पता सेकेंड के इक्वल होगा सब्सिट्यूशन ऑफ ये इसका तो एक्स माइनस ए होगा, ये सब्सिट्यूशन आपको बुक के ऊपर मिल जाएंगे। सूटेबल सब्सिट्यूशन ऑफ ए एक्स के, अगर यहाँ पे कांस्टेंट नंबर हो तो साथ में वेरिएबल हो तो वो एक्स बराबर ए टेंजेंट के इक्वल होता है ठीक है। नेक्स्ट आप लोग जल्दी से देखते जाएँ और इसी को आपने बड़ी अच्छी तरह से समझना है, आपने इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपके पास ये आ जाएगा। मजीद आपने इसको सॉल्व करना है 2 दफ़ा इंटीग्रेशन बाई पार्ट से तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब इसका साइन लेके फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के तरीका से आप लोग इसको सॉल्व करोगे। वीडियो कैसी लग रही है चाहे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताइएगा। आपने इसको अंडर रूट 2 - 1/2 कर देना है और इसका ये आपके पास आर्किमीडियंस आ जाएगा ठीक है। और ऑनवर्ड आप लोगों ने देखते जाना। अच्छा इसमें मैं आप लोगों को बता दूँ के द पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट इज़ कॉल्ड ऑर्थोगोनल, जिस जहाँ पे वो सारे मिलते हैं वो ऑर्थोगोनल कहलाता है। द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स टू द 2:1 की निस्बत से होता है। द टू कंसेप्ट फ्राम द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेटजी लाइन्स इज़ ये आपके पास होगा ठीक है। तो चैनल पे नहीं हुआ तो यार काइंड आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को यार लाजमी सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो। तो अब मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी से थोड़ा थोड़ा रिव्यू दे के, अच्छा आप द सोल्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ फिजिबल सोल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वो फिजिबल रीजन होता है। इसी तरह फॉर फिजिबल रीजन वो जो कंडीशन होती है एक्स ग्रेटर 0 होता है, एक्स 0 द सोल्यूशन इज इनफिजिबल इस इक्वेशन के लिए ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि आप लोगों ने ये बड़ी अच्छी तरह से करना है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमम ठीक है। ये आप लोगों के एम सी क्यूज इतने इंपॉर्टेंट है कि 20 out of 20 आप लोग ले सकते हैं और 100% आप लोगों के ये पेपर के अंदर लगेंगे ठीक है। इसमें डॉट प्रोडक्ट आप लोग ये सारा देख सकते हैं।